यूपी बिहार वासियों के छठ महापर्व के मद्देनजर वरिष्ठ पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा द्वारा सेक्टर वन में भव्य तालाब का निर्माण कराया जा रहा है। तालाब में लोगों की सुविधाओं के मद्देनजर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। छठ महापर्व से इस तालाब का लाभ समस्त टाउनशिप क्षेत्र के रहवासियों को मिलेगा, जिससे लोग सुविधाजनक रूप से छठ महापर्व को मना सकेंगे। वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने तालाब की सोच व अन्य मुद्दों को लेकर ग्रैंड एशिया न्यूज से खास चर्चा की। देखते हैं बातचीत के खास अंश। हमारे साथ मौजूद है भिलाई नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी, जिन्होंने एक यूपी बिहार वासियों की सुविधाओं को देखते हुए, चूँकि आने वाले कुछ दिनों में छठ महापर्व है जो यूपी बिहार वासियों के साथ साथ अन्य समुदाय के लोगों को भी के भी आस्था का प्रमुख पर्व है, इस पर्व को देखते हुए पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी द्वारा सेक्टर वन पार्क में एक तालाब खुदवाई के कार्य का शुभारंभ कराया गया है, जिसका लाभ निश्चित रूप से छठ पर्व के जो मनाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा। हमारे साथ मौजूद है वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी, उसके पीछे उनकी क्या सोच है, किस उद्देश्य को लेके उनके द्वारा यह किया जा रहा है, यह हम उन्हीं से चर्चा करेंगे। वशिष्ठ जी, सबसे सर्वप्रथम सवाल आपसे ये है, क्योंकि भिलाई में कुछ तालाब जरूर हैं, लेकिन उन तालाबों में बहुत हॉटस्पॉट की स्थिति रहती है, विशेषकर छठ पर्व के मद्देनजर, तो आपकी यह जो नई सोच है उस पर क्या कहना चाहिए? नई सोच नहीं, छठ पर्व को लेकर लोगों को सुविधा मिले, लोग छठ पर्व का आनंद उठा सकें और उस पर्व को मनाने के लिए जो व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था लोगों को मिले, इसको लेकर सेक्टर वन में एक तालाब का निर्माण किया जा रहा है और उस तालाब में इस वर्ष छठ पर्व लोगों के द्वारा मनाया जाएगा। और चूँकि ये तालाब जो है नया निर्माण हो रहा है, तो इस तालाब में साफ पानी में लोग छठ का पर्व मना पाएंगे, इसके लिए पूरे सेक्टर वन, सेक्टर टू, सेक्टर थ्री, सेक्टर फोर में मुनादी किया गया है कि यह नया तालाब का निर्माण किया गया है। साथ साथ में कैंप कुर्सी पार्क का जो हिस्सा सेक्टर वन से लगा हुआ है, वहाँ भी लोगों को इस बात की जानकारी दी गई है कि ये तालाब है और इस तालाब में साफ पानी में आप छठ का पर्व मना सकते हैं और छठ पर्व को मनाने को लेकर जो भी सुविधा होनी चाहिए उस सुविधा का निर्माण यहाँ से किया जाए। चूँकि देखा जाए तो तालाब का निर्माण कार्य हाल ही में शुरुआत की गई है, तो आपको क्या लगता है कि छठ पर्व तक इसका कहाँ तक पूर्ण हो सकता है? युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, रात दिन काम चल रहा है, छठ पर्व के पहले दिवाली के दिन ये तालाब तैयार हो जाएगा और दिवाली के 6 दिन बाद छठ होता है, तो छठ के पहले ये तालाब तैयार हो जाएगा, लोग खूब आनंद से छठ पर्व इस सेक्टर वन के स्वामी विवेकानंद पार्क में मना पाएंगे। क्योंकि इस तालाब की अगर बात की जाए तो अभी आपके द्वारा पार्षद कार्यालय का वो शुभारंभ किया गया है कुछ दिन पूर्व जी, उस पार्षद कार्यालय में सभी वार्डों के नागरिकों की तमाम मूलभूत सुविधाओं को लेकर के व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, आपके मित्र वहाँ तैनात रहते हैं, लगातार आपके द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा है, इसके पीछे आपकी क्या सोच है? नहीं, पार्षद कार्यालय नहीं है वो, जनता का कार्यालय है, जनता कार्यालय में पूरे शहर की समस्या के निदान के लिए कार्यालय का उद्घाटन किया गया था, पूरे शहर के लोग उस कार्यालय में अपनी समस्या को लेकर आते हैं और पूरे शहर की समस्या का निदान उस कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। अभी एक फ्री OPD चालू कर रहे हैं दिवाली के बाद, वहाँ 14 डॉक्टर रहेंगे, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार वहाँ पे फ्री OPD करेंगे और दवाई भी फ्री मिलेगी। क्योंकि अभी पिछले कुछ महीनों से लगातार देखा जा रहा है कि जो मरीज गंभीर स्थिति में सेक्टर 9 में एडमिट होते हैं उन्हें रायपुर पहुंचवाने के लिए, चाहे आपके परिचित हो अथवा ना हो, लगातार आपके द्वारा प्रयास किया जाता है जिसकी वजह से उचित इलाज समय पर मिल पाता है, इस पर क्या कहना चाहिए? सार्वजनिक जीवन में 25 साल हो गया मेरे को काम करते हुए और सार्वजनिक जीवन में काम करने में जो कोई भी अपनी समस्या को लेकर या अपनी सुविधा को लेकर बातचीत करता है, अपनी समस्या को हमारे तक पहुंचाता है, उसमें समस्या का निराकरण कैसे हो पाए इसको लेकर प्रयास करते हैं और मरीज उचित समय में अस्पताल पहुंच जाए, क्योंकि जी रोड पे काम चल रहा है, जी रोड अस्त व्यस्त है, तो मरीज को रायपुर पहुंचने में समय लगता है, इसलिए ग्रीन कॉरिडोर बना के मरीजों को पहुंचाने में प्रयास करते हैं और मरीज उचित समय में पहुंचता है, उसका इलाज उचित समय में हो पाता है और मरीज की जान बचती है। ये काम दैनिक काम है, इसमें कोई अलग से काम करने का कोई। ये थे हमारे साथ भिलाई नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद, जिन्होंने अपनी नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही तमाम सुविधाओं के बारे में हमें जानकारी दी।
क्योंकि इस तथ्य से आप सभी हमारे दर्शक अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि लगातार वशिष्ठ द्वारा ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से अनेक गंभीर अवस्था से जूझ रहे मरीजों को रायपुर पहुंचवाने की लगातार व्यवस्थाएं की जाती रही है, वो भले उनके परिचित हों अथवा ना हो। इसके बावजूद अभी एक नया कार्य इनके द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया है, जिसका लाभ निश्चित रूप से यूपी बिहार के छठ महापर्व को मनाने वाले लोगों के साथ साथ अन्य लोगों को भी मिलेगा। इस तालाब में सभी व्यवस्थाएँ वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी की पहल से उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।